Hello everyone. Yeah. Hi. Uh, first of all, thanks to TEDx ISBR team. It was a really great event till now. Thank you. And uh, I have taken a lot of things, I have learned a lot from all these speakers. Like gap un it uh, we need to digest, right? We need to stay in that zone. So let's uh, so hello everyone again i am uh, going to talk about the perspective of a student agar ek insaan ration card se usko passport thama diya jaye to use pata nahi chalta ki use karna kya hai uska that is what happens in a student life so i believe like as a student we are all born with unlimited potential and हम क्या करते हैं अपनी student journey में हम किसी किसी चीज़ के लिए हम मना कर देते हैं कि यार ये मेरे से नहीं होगा ये मेरे से नहीं होगा तो जो पोटेंशियल हम अनएक्सप्लोर नहीं करते एक्सप्लोर नहीं करते हम अगर किसी और को फॉलो करते तो वहाँ पे हम कुछ कैपेबिलिटीज अपनी खो देते हैं सो वी हैव टू से यस टू एवरीथिंग एज अ स्टूडेंट आई आई एम अ स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय आई एम अ पैरामिलिटरी ब्राड सो मोस्टली मेरा एजुकेशन के केंद्रीय विद्यालय में हुआ था एंड ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ मैंने हर एक चीज के लिए ट्राई किया उसको एक्सप्लोर करना लाइक डिबेट एक्सटेम्पो एवरी स्पोर्ट और केवी में इट इज़ वेरी गुड कि आप हर एक स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हो सो वी यूज़ टू ट्रैवल एंड ऑल आई वॉन्ट टू एड ए स्टोरी टू मेक इट रिलेटेबल फॉर ऑल ऑफ यू मेरे पास ना बहुत सारे सिल्वर मेडल्स हैं लाइक like, गोल्ड मेरे पास बहुत कम है सिल्वर मेडल्स मेरे पास ज़्यादा हैं तो बिकॉज आई वॉज इम्पेशम्पटिटिव नेचर था एंड uh, मैं जब चाइल्डहुड में मैं सुनता नहीं था अपने कोच की बात पूरी तरीके से दिस इज़ वॉज समथिंग आई लर्न बिफोर गेटिंग इन टू अ बिजनेस क्योंकि लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट तो देर इज अ स्टोरी ऑफ एन आर्चर मेरे कोच ने मेरे को सुनाई थी उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि एक आर्चर है वो पंद्रह घंटे डेली प्रैक्टिस करता था अपने बो एंड एरो के साथ और वो काफ़ी हार्डवर्किंग था उसे विश्व का सबसे पॉपुलर और नंबर वन आर्चर बनना था वो जब बो एंड एरो के साथ प्रैक्टिस करता था वो हर एक डिस्टेंस से ट्राई करता था उसको लगता था कि आर्चरी इज समथिंग लाइक

उसने एक महीने वो फॉलो किया उसने बोला क्या यार क्या सिखा रहे हैं तीन बजे उठ के क्या है इसका क्या मतलब है ठीक है मैं छः बजे उठता तो तो उसने इग्नोर किया उन चीज़ों को नेक्स्ट आफ्टर फॉलोइंग हिज गाइडेंस वो फिर उनके पास गया कि आप आई एम रेडी आई थिंक आई एम रेडी मेरे को कॉम्पिटिशन में जाना है तो वो उन्होंने एक और सीनियर कोच के पास भेज दिया उस सीनियर कोच ने बोला कि तीन जंगल क्रॉस करके एक पैर पे बैलेंस करके तुम्हें तो आर्चरी प्रैक्टिस करनी है सेम रूटीन रहेगा तुम्हारा आफ्टर फॉलोइंग इट इन अ वीक वो वापस से इम्पेशेंट होके गया अपने कोच के पास उन्होंने बोला कि आ, सर आई एम रेडी मेरे को आप लेके चलो तो जब उसका कंपटीशन का टाइम आया वो कंपटीशन तीन जंगल तीन पहाड़ क्रॉस करके एक ब्रिज के ऊपर था और काफ़ी इजी था कंपटीशन सिंपल था जब उसको वहाँ पे वो पहुँचा तो उसका अपोनेंट वहीं पे खड़ा हुआ था एक आदिवासी स्टूडेंट तो उसने देखा कि यार ये तो नॉर्मल बंदा है मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की है ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट स्टफ़ और उसको पता चला कि उसे 50 स्टेप्स uh, दूर से एक पेड़ पे निशाना लगाना है और आम गिराना है तो जब वो कॉम्पिटिशन का टाइम आया ही वॉज रियली डिजी बिकॉज वो इतना ट्रैवल करके आया था और सुबह तीन बजे उसको उठ के उसका इवेंट था कॉम्पिटिशन था सो so, जो uh, उसको जहाँ से तीर चलाना था वो एक्चुअली एक ब्रिज था दो पहाड़ों के बीच में जो कि हिल रहा था वो टूटा हुआ था हाफ ब्रोकन तब क्या हुआ जब आदिवासी लड़का गया वो तो वहीं प्रैक्टिस करता था वो तोड़ के आ गया ये जब वहाँ पे गया ही लॉस्ट इज बैलेंस वो एज यू ऑल नो बिकॉज ऑफ अगर हो, होता क्या हमारे साथ अगर हम हमारा ब्रेन कंप्लीटली फिल्ड है और हम बाकी लर्निंग्स के लिए बाकी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए हम नहीं पुट uh, ऑन करते हैं वी विल लॉस्ट लाइक देयर शुड बी अ स्पेस फॉर लर्निंग इन एवरी लाइफ सो so, हुआ क्या उसके पैर डिजी थे ब्रिज काँपने लग गया और वो एरो मिस हो गया सो द लर्निंग फ्रॉम दैट लेसन इज कि बिलीव इन द प्रोसेस बिलीव इन योर मेंटर्स ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ हमने इतना कुछ देखा नहीं है बट अभी हमें लगता है कि हम फोन है हमारे हाथ में चीज़ें इंफॉर्मेशन है तो इनके एक्सपीरियंस से हम क्या ही सीख लेंगे तो लिसनिंग इज एन आर्ट मैं आज की डेट में सबसे कनेक्ट करता हूँ मेरे से जूनियर सीनियर एंड आई ट्राई टू लिसन आई ट्राई टू ग्रैप समथिंग ग्रैप सम इन्फॉर्मेश्स अगर कोई सौ बातें बोल रहा है उसमें से दस बातें पक्का मेरे काम की है मेरे को पता है सो लेट्स कम टू माई स्पोर्टिंग जर्नी वेर आई एम फ्रॉम वट एव डन सो आई स्टार्ट विथ फुटबॉल आई वॉज फुटबॉलर अंडर फोर्टीन प्लेयर वो प्लेस फ्रॉम आसाम देन आई स्टार्ट विद फुटबॉल में चैलेंजेस क्या है कि देर आर सम हम ट्रैवल करते रहते थे एंड जो कोचेस मिंटर्स होते थे कोचेस होते थे दे जो लोकल local, लोकल होते थे वहाँ पे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी तो टीम गेम से मैं इंडिविजुअल गेम में आया इंडिविजुअल गेम आई ट्राइड स्विमिंग स्विमिंग में लाइक वॉट हैपन आई हैव ट्राइड लॉर्ड ऑफ स्पोर्ट स्विमिंग इज रिलेटेबल टू माई नेम सागर तो स्विमिंग केम अप रियली इन अ गुड वे इन माई लाइफ मैं ढाई महीने में आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन चार मंथ बाद आई वॉज स्टेट चैम्पियन आफ्टर सिक्स मंथ आई वॉज नेशनल लेवल स्विमर सो बट जब वो कैरियर के लिए परस्यू करने के लिए बात आई तो देर इज नो वन टू आइडियलाइज इन मल्टीपल स्पोर्ट्स लाइक वी हैव इन क्रिकेट ओनली लाइक वी कैन आइडियलाइज सम वन बट इन स्विमिंग देर वॉज नो वन टू आइडियलाइज और कोई रोड मैप नहीं था सो आई है मैं स्पोर्ट्स एज अ कैरियर करने के लिए आई डिसड अ रोड मैप टू गेट इन टू डिफेंस आई वॉज पैशनड अबाउट डिफेंस

लैंग्वेज की जरूरत नहीं है लाइक विथ योर प्ले विथ योर टीम वर्क एंड विथ योर कनेक्ट इन द स्पोर्ट यू कैन कनेक्ट विद द अपोजिट टीम पीयर ग्रुप तो बात करने की जरूरत नहीं होती थी वो अपने आप अंडरस्टैंडिंग होती है सो आई रोट अ रैप बिफोर स्टार्टिंग दिस वेंचर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वेंचर इट्स रिलेटेड टू स्पोर्ट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज आई रिसाइटेड एल्स सो इट लाइक खेलेगा इंडिया तो बढ़ना तो बनता है भारत की मिट्टी तो लड़ना तो बनता है क्रिकेट पर रह के बस खेल से आपसी रंजिश मिटाएगा तू जाति धर्म भेदभाव को हटाएगा तू देश को अपने साथ आगे लेकर जाएगा तू देश में खेल भावना भी बढ़ाएगा तू मेहनत ज्यादा कर नाम भी कमाएगा तो पूरी लाइफ क्या बेटे बाप का ही खाएगा तू और जो चल बेटे मैंने थोड़ी ज्यादा कर फाड़ के तो रख देगा मुझको तो वादा कर इरादा कर खून भी बहाना है जिम जाकर बेटे तुझे पसीने में बनाना है मुझे खेलने दो पढ़ने का शौक़ नहीं तू वो जा चुप बेटा इतना ज्यादा बहुत नहीं रात दिन मेहनत में करता हूँ सपनों से लड़ता हूँ आगे में बढ़ता हूँ बेवजह किसी से मैं नहीं सरता हूँ हंसली हंसल है ज़िंदगी हंसल है बीज जो बोहोत दुखती है फसल मेरी फुल पावर में बनती है मसल थोड़ा ग्राइंड कर थोड़ा शाइन कर भूल गया तू चल बातें तो रिवाइंड कर कैसे बेटे तूने शुरू किया खेल कोशिश पे कोशिश पर हुआ तो फेल मुझे अच्छा लगा बेटे तूने हार नहीं मानी तूने करी मेहनत और करी नहीं बेमानी अब लोगों को एक बात मुझे समझानी खेलेगा इंडिया तो बढ़ना तो बनता है भारत की मिट्टी तो लड़ना तो बनता है टिकटॉक टॉक करके बस घंटा ही रहा है। रिप्रेजेंट करो इंडिया को शिद्दत से ये बेटा मेरा गेम बात करो इज्जत से सो दैट इज माई पैशन एंड इमोशन फॉर स्पोर्ट्स इट इंक्लूड्स इंक्लूसिविटी एंड दैट इज वॉट आई हैर्न सो वाई परसुइंग स्पोर्ट्स तो मैंने रोड मैप अपना एक डिसाइन कर लिया था कि भाई डिफेंस में जाना है डिफेंस से लाइक आई वॉज आइडियलाइजिंग राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सर नीरज चोपड़ा डिफेंस में जाना है एंड स्पोर्ट्स का एज ए कैरियर परस्यू करना है तो आई हैड द क्लैरिटी हुआ ये लाइक हाउ आई गॉटिंग टू बिजनेस नो फैमिली बैकिंग नो बिजनेस मैन नो नो वन टू गाइड और मेरे को बिजनेस ना एकदम खराब सा लगता था मैं बोला ये सब क्या है यार मतलब इट्स रिस्की और मैं वो नहीं करता था ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करता था बिजनेस साइड सो वॉट हैपन वॉट चेंज वो मैं सबके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को रिलेट करवाना चाहता हूँ आई टेंट प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी सो Uh, जब मैं व्हेन आई गॉट दिस क्लैरिटी कि मेरे को बिजनेस uh, करना आई वांट टू स्टार्ट स्पोर्ट्स वेंचर, आई वाज सिटिंग इन ओरिएंटेशन सेल इसी टाइप का सेल्फ था मैं यहीं पे बैठा था और देर वॉज ए गाय जो प्लेसमेंट uh, के लिए आए थे और मेरा सी रिटर्न क्लियर हो गया था सो so, वहाँ पे आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि भाई वाई आई एम सिटिंग मेरे को करना क्या है माई एंड गोल्ड परस्यू स्पोर्ट्स एज अ कैरियर वट आई एम डूइंग आई एम सिटिंग सो क्या रोड मैप यही हो सकता है क्या कि आप डिफेंस में जाओ तो अभी आप सही तरीके से बैकिंग मिलेगी आपको फाइनेंस हेल्प मिलेगा और आप कर पाओगे तो आई अंडरस्टूड अंडरस्टंड प्रॉब्लम और मेरे पास बैठे बैठे वहां पे आई गॉट अ सॉल्यूशन फॉर दैट और सॉल्यूशन आए या फिर आई वही पे आई गॉट द क्लैरिटी आई क्वेश्चन माई सेल्फ थ्री थिंग्स इफ यू वॉन्ट टू फॉलो यर पैशन यू हैव टू आंसर थ्री क्वेश्चन वाई वॉट एंड हाउ वाई डू यू वॉन्ट डू दिस वॉट यू वन डू एंड हाउ यू वॉन्ट ना डू इसके बाद चीजें आती हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए टाइम एफर्ट एंड मनी सो टाइम के लिए अगर आपके पास मनी कम है तो ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड मनी कम है तो टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगेगा ज़्यादा देना पड़ेगा सो आई गॉट दिस क्लैरिटी आई गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तब फिर मैं कॉलेज में ही था एंड स्विचिंग एट सी डी एस रिटर्न क्लियर हो गया इट वॉज अ टफ थिंग बट मैं उधर ओरिएंटेशन से निकला ना तो मेरे एक साथ वाले स्टूडेंट ने पूछा क्या भाई प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा क्या मैंने बोला कि मैं अगले साल अपनी कंपनी लेके आऊँगा तू बैठ जाना उसमें सो दैट वॉज द कॉन्फिडेंस आई एड सो क्लैरिटी के लिए बस तीन चीज़ें चाहिए अगर आपको अपने पैशन को प्रोफेशन में बनाना है तो आपको सोचना है कि मेरे को जर्नी क्यों ट्रैवल करनी है क्या करना है क्या देखना है सो थ्री थिंग्स वाई वॉट एंड हाउ यू हैव टू आंसर दीज थ्री क्वेश्चन एंड यू विल गेट द क्लैरिटी आफ्टर दैट लाइक स्टूडेंट लाइफ में तीन चीज आपके पास लाइक फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है तो मैंने क्या किया था मैंने किसी एक मंथ में कंपनी कम्त रजिस्ट्रेशन के लिए डाली अपने पॉकेट मेरी से निकाल के घर में किसी को नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया डोमेन नेम लिया वेबसाइट बनाई ऑल दो थिंग्स एंड आई रन बूथ स्ट्राफ कंपनी ओके इन इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वीवर इन नेगेटिव बट नाउ वी आर रेजिंग थ्री पॉइंट फाइव सी आर एन टर्न ओवर दिस ईयर सो इट्स इट्स लाइक मैं 2020 पास आउट हूँ स्पेस इन टू स्टेट्स नाउ तो मैंने स्टार्ट कैसे किया बूथ मॉडल पे रन करना है मेरे को ये ये एक शाहरुख खान का कोर्ट है कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायना तुम्हें उस समय की साजिश में लग जाती है तो अगर तुम अपना पैशन फॉलो करोगे ना तो चीज़ें अपने तुम्हारे रोड मैप पर अलाइन हो जाएंगी तो आई बिलीव दैट ठीक है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं पर पता नहीं सर झुका के कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो और चीज़ें अपने आप हो जाती हैं तो आई बिलीव इन दीज थिंग्स यू नो वाईट इज कॉल्ड अ स्टार्टअप बिकॉज यू नीड टू स्टार्ट टू रीच समवेयर सो थैंक यू एवरी वन यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस साइनिंग ऑफ सागर राय फाउंडर एंड सी आर की